आके पता डबल कैसे होता है, आइए मैं बताता हूँ। आज मैं आ गया हूँ, देखिए गौर सिटी के पास, ये सामने गौर सिटी की कमर्शियल बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, और यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ 500 मीटर के बाद, और 500 मीटर के और आगे जाओगे तो आपका आ जाएगा एक मूर्ति के चौराया, एक मूर्ति और गौर सिटी के बीच में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे आपको सिविटेक ब्रांड की कंपनी आपके लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके आई है, जिसके अंतर्गत आपको कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट देने वाले हैं। कमर्शियल के अंदर काफी टाइप की इन्वेंट्री आपको मिलने वाली है, जो आपको दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल सामने देखिए सिविटेक का ये प्रोजेक्ट होने वाला है, जो आपका 4 एकड़ में बना हुआ है, बहुत शानदार प्रोजेक्ट होने वाला है कमर्शियल के अंदर। और जो सिविटेक ब्रांड है वो पिछले कुछ सालों में 4 से ज्यादा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर कर चुका है। इसकी ये खास बात हो रहा है, बहुत से प्रोजेक्ट के अंदर नेशनलाइज बैंक लोन नहीं करती है, बट हमारे सिविटेक के प्रोजेक्ट के ऊपर आपको भारत की नेशनलाइज बैंक भी आपको लोन कर देती है इनिशियल स्टेट पे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट होने वाला है। चलिए सीधा दिखाते हैं और पैसा कैसे डबल होता है। पैसा बता रहा हूँ 12-15 लाख रुपए लगा कर भी आप यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री लेके अपने पैसे को कुछ साल में डबल कर सकते हैं। क्या तरीका होगा, कैसे डबल होगा, आइए बताते हैं। तो दोस्तों अभी देख पा रहे हैं ये आपका गौर चौक है, जहाँ से हम 130 मीटर रोड पे खड़े हुए हैं, और यहीं से आपका मात्र 10 मीटर की दूरी पे सामने प्रोजेक्ट होने वाला है। तो चलिए अंकित भाई से पूछ लेते हैं। अंकित भाई नमस्कार। नमस्कार, क्या खास लेके आए हमारे व्यूअर्स के लिए? सर ये हमारा प्रोजेक्ट है, 4 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जो आपका कॉर्नर प्लॉट है, यू शेप का प्रोजेक्ट है। हमने आपका रिटेल शॉप्स है, स्टूडियो अपार्टमेंट है, ऑफिस स्पेसेस है, और ये पूरा प्रोजेक्ट 70% बिल्डर लीज पे करके दे रहा है। मतलब चलिए आपने बताया था कि किसी के पास पैसा पड़ा हुआ है, वो चाहता है अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ साल में अपने पैसे को डबल करना, तो क्या ये वही प्रोजेक्ट होने वाला है? सर ये बिल्कुल वही प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में सबसे पहली USP ये है कि जो ये इनिशियल स्टेज पे हम नेशनलाइज बैंक से लोन करा के दे रहे हैं आपको, इसमें अगर किसी के पास छोटी सी इन्वेस्टमेंट है वो भी आप लगा के उसको अपने आंखों के सामने ग्रो होता हुआ देख सकते हैं। कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में? सर देखिए इसमें सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट आती है स्टूडियो की, स्टूडियो की जो इन्वेस्टमेंट आती है वो आती है 60 लाख रुपए की। तो हमारा जो पेमेंट प्लान है वो फ्लेक्सिबल है, उसमें इनिशियल स्टेज पे आपको 40% पेमेंट देनी है, जिसमें से आपका हाफ लोन हो जाएगा नेशनलाइज बैंक से। तो इनिशियल स्टेज पे आप लगा के चलिए 12-13 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बैठती है, प्लस में फिर आपका जब आपका पैसा ग्रो होता है वो आपके आगे खुल जाएगा। तो 12-13 रुपए लगा के बाकी का जो पैसा बैंक से लोन दे देंगे, आपने लगभग 24 लाख रुपए दे दिए जी। उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और पोजीशन के टाइम आ जाएगा, तो उस समय इसका प्राइस क्या हो जाएगा 60 लाख वाले का? सर 60 लाख का जो आपका स्टूडियो अपार्टमेंट है उस टाइम पे कम से कम 1 CR प्लस का जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी एक होटल 7-star होटल की चेन लेके आ रहे हैं। अगर 7-star होटल आता है तो अराउंड 55,000 या 60,000 पर मंथ का आपको रेंटल इनकम देगा। तो अगर आप 55,000 से 60,000 पर मंथ की रेंटल इनकम आती है तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी की कॉस्ट मिनिमम 1 CR होती है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, दिखाते हैं सिविटेक की बिल्डिंग के अंदर किस तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों देखिए आपका सिविटेक का ऑफिस बना हुआ है यहाँ पे, जो इनिशियल स्टेट पे अभी बनाया हुआ है, जहाँ पे आप लोग भी आएंगे तो यहीं पे आपकी मीटिंग वगैरह होगी। ये सामने सिविटेक देखिए ब्रांड लगा हुआ है, देखिए सिविटेक सेंटर नाम से प्रोजेक्ट होने वाला है, अर्बन सेंटर। तो यहाँ हम आ चुके हैं अंकित भाई के साथ में। तो अंकित भाई ये प्रोजेक्ट हमारा होने वाला, राइट? बिल्कुल सर। ये पूरी लैंड हमारी है, कितने साइज की लैंड है ये वाली? ये सर 4 एकड़ की लैंड है। अच्छा, इसमें हम क्या क्या चीजें दे रहे हैं आपके? सर इसमें हमारा लोअर ग्राउंड, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पे आपका रिटेल शॉप है एंड मॉल है, उसके बाद हमारा फूड कोर्ट है, फिर उसके ऊपर आपका मल्टीप्लेक्स है 16 का, उसके बाद हमने ऑफिस स्पेस दे रखा है, फिर आपका स्टूडियो अपार्टमेंट है 12 से 32 फ्लोर तक का। टोटल 32 फ्लोर होने वाले हैं यहाँ पे। तो एक बार इसका डेमो दे सकते हैं, कैसे डेमो बनाया हुआ है? हमारा मॉडल है 3D मॉडल, उसमें आपको डेमो दिखाते हैं। चलिए अंकित भाई मैं चलता हूं। दोस्तों ये ऑफिस आपका आ गया और ये प्रोजेक्ट होने वाला है, देखिए सिविटेक सेंटर नाम से अर्बन सेंटर। ठीक है मैं आपको यहाँ मॉडल दिखाता हूँ, ये इसका मॉडल होने वाला है। चलिए दोस्तों मैं आपको पूरा मॉडल का एक्सप्लोर करता हूँ, हमारे साथ सर जुड़े हैं, बताएंगे इसके बारे में। सब बताइए। ये है प्रोजेक्ट सिविटेक सेंटोनी। ठीक है, जैसा ये मॉडल सेम ओरिएंटेशन में प्रोजेक्ट बन रहा है। आप इधर ये जो रोड देख रहे हैं 130 मीटर वाइड रोड है, 3 साइड ओपन प्लॉट है, इसके इधर ये 45 मीटर रोड आती है और इसके इस तरफ आप आएंगे तो 24 मीटर की रोड आती है। ठीक है जी। ये मॉल की एंट्री एग्जिट है, अगर आप देखेंगे ये मॉल की एक एंट्री एग्जिट इस रोड से दी हुई है 45 मीटर रोड से, और एक एंट्री एग्जिट हमने दी हुई है इस वाली रोड से, आपकी सर्विस रोड जो 130 मीटर की रोड से आती है। सेम ओरिएंटेशन में मॉल है, इसमें नीचे लोअर ग्राउंड, ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड में रिटेल स्पेस है, थर्ड और फोर्थ फ्लोर मिला के मल्टीप्लेक्स है, जिसमें थर्ड फ्लोर पे एंटरटेनमेंट जोन आता है और फोर्थ फ्लोर पे फूड कोर्ट आता है। 6 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स है हमारा इसमें, उसके बाद फोर्थ फ्लोर तक ये हो गया, फिफ्थ फ्लोर सर्विस फ्लोर है, 6 से 9 तक आप जो देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट चेयर्स रखी हुई है, ये ऑफिस स्पेस है। 6, 7, 8, 9 ठीक है। 10th फ्लोर पे क्लब हाउस दिया हुआ है, 5-star कैटेगरी का क्लब हाउस है, जिसमें आपको ओपन में स्विमिंग पूल है, इंडोर में जिमनेजियम है, कंप्लीट इंडोर गेम्स है, लाइब्रेरी है, स्टीम बार, सोना, जकूजी, स्पा, योगा सेंटर, मल्टीपर्पज हॉल, ये सारी चीजें इसके अंदर है। 11th फ्लोर अगेन सर्विस फ्लोर है, उसके बाद 12 to 32 फ्लोर तक हमने स्टूडियो अपार्टमेंट बनाए हुए हैं, कॉर्पोरेट सूट जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए हमने एंट्री एग्जिट सेपरेट दी हुई है। ठीक है, इधर देख सकते हैं बिल्कुल, यहाँ से आप दोस्तों आपकी सेपरेट एंट्री, इस रोड से एक एंट्री है और एक इस रोड एंट्री दी है, टू साइड एंट्री यहाँ से हो जाती है, दोनों साइड से एंट्री दी हुई है। ये इसकी एंट्रेंस लॉबी है, ट्रिपल हाइट एंट्रेंस लॉबी है, 5-star कैटेगरी
में वेटिंग लॉन्च जिसे आप कह सकते हैं, फुल्ली सेंट्रलाइज एसी वेटिंग लॉन्च है। यहाँ से जो लिफ्ट है ये सीधा 6th फ्लोर पे ऑफिस स्पेस पे जाती है, यानी यहाँ से सिर्फ मॉल में एक्सेस ग्राउंड फ्लोर से, अदरवाइज आप मॉल में नहीं जा सकते। 6 से 10, 9 तक अगेन ऑफिस आ जाते हैं, फिर ये आपके स्टूडियो चले जाते हैं 12 to 30। स्टूडियो दो फेसिंग में, लाइक इधर आपका परथला बीच फेसिंग हो जाएगा और इधर आपका ये हमारा जो क्लब हाउस है उसको फेसिंग हो जाता है। ठीक है, देखिए ये एक तरीके से क्लब हाउस बना हुआ है। बात करें साइज की तो इसमें क्या क्या साइज के स्टूडियो जो है, एक फ्लोर पर 25 स्टूडियो है जिसमें से 21 स्टूडियो आपके 535 स्क्वायर फीट के, 2 स्टूडियो 645 स्क्वायर फीट के और 2 स्टूडियो महाराजा स्टूडियो 1010 स्क्वायर फीट के। मेजोरिटी जो है 535 के, फुली पेड अप लैंड पे प्रोजेक्ट है, इसलिए इस पे डे 1 से स्टूडियो पे आपको लोन भी अवेलेबल है। हम कैसे मान सकते हैं कि हमारे गॉड सिटी के रोड पर सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है? देखिए, एक तो प्लॉट की लोकेशन 3 साइड ओपन प्लॉट है, ये फुल्ली सेंट्रलाइज एसी मॉल है, साथ में आपका स्टूडियो ऑफिस सारी चीजें इसमें हम दे रहे हैं। मॉल हमारे पास रहेगा जिसको हम खुद लीज करेंगे। ठीक है, तो और एक सीबीटेक की अपनी लेगेसी, अगर सीबीटेक की हिस्ट्री आप देखेंगे तो हमने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं वो सब टाइम से पहले बना के दिए हुए, इसीलिए बैंक भी डे 1 से इसमें लोन अवेलेबल दे रहा है। कौन कौन से बैंक से लोन हो जाता है? फिलहाल अभी HDFC से हमने टाइप किया हुआ है, लेटर और भी बैंक आ जाए। थैंक यू जी। दोस्तों, इतना सब बताने के बाद आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी कनेक्टिविटी कितनी प्राइम है, क्योंकि गौर चौक का 130 मीटर का रोड है जहाँ पे आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह सारी चीज आपको मिल जाती है। बाकी देख पा रहे हैं ये आपका 3 फेस आपका प्लॉट होने वाला है, जिसके अंदर 4 एकड़ का साइज होता है जाता है, और 4 एकड़ के साइज में ये हमने बनाया हुआ, कितना शानदार बनाया हुआ लग्जरी, जो कि ऑन 130 मीटर का रोड पर पड़ जाता है। कहते हैं मैंने मॉडल दिखाया आपने, मॉडल तो काफी अच्छा था, आई थिंक इतना प्यारा मॉडल इस रोड पर कहीं मिलेगा नहीं। अब बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी की। वहां की सभी को पता है कि गौर सिटी का ऐसा रोड है जहाँ पे किसी प्रकार की फैसिलिटी आपको ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी जानना चाहूंगा आसपास बैंक की बात करें या बात करें हॉस्पिटल की या स्कूल की, ये सब चीजें यहाँ से कितनी दूरी पर कहाँ कहाँ मिल जाती हैं? सर देखिए, अगर स्कूल की बात करें, अराउंड 15 रेपुटेड स्कूल यहाँ पे ऑलरेडी रनिंग में है, सिर्फ 2 किलोमीटर के रेडियस पे। ठीक है, और 3 से 4 आपके हॉस्पिटल्स हैं जो आपका यथार्थ हो गया, कैलाश हॉस्पिटल हो गया और गौरगा हॉस्पिटल हो गया, तो कई हॉस्पिटल ऑलरेडी रनिंग में है। ठीक है, और अगर आप पीछे प्रोजेक्ट के पीछे देखते हैं तो ऑलरेडी कई हाई-डाई सोसाइटियाँ डिलीवर्ड हैं, अराउंड 2 से 2.5 लाख रेजिडेंट्स ऑलरेडी रह रहे हैं यहाँ। ठीक है जी, आसपास बात करें ये एरिया जो है गौर चौक से कितनी दूरी पे होगा? करीब गौर चौक से आपका 1 किलोमीटर की दूरी पे है और नियर बाय प्रपोज मेट्रो स्टेशन है। तो सामने दोस्तों एक मूर्ति के बाद भी प्रपोज मेट्रो स्टेशन आने वाला है, और एक मूर्ति से अगर बात की जाए तो यहाँ की डिस्टेंस है 500 मीटर की 200 मीटर 200 मीटर के 500 मीटर के आसपास कह सकते हैं आप, यहाँ मेट्रो मिल जाएगी, मेट्रो के साथ में लगा हुआ प्रोजेक्ट होने वाला है। बात करें कनेक्टिविटी की तो यहाँ से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? तो यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो आप परी चौक की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, इधर से आप जाएंगे 130 मीटर रोड पे तो आप नोएडा मेट्रो स्टेशन जा सकते हैं जो आपका दिल्ली को कनेक्ट करती है। प्लस में अगर आप यहाँ पीछे से जाते हैं, आप जो आपने देखा है गली, तो आप NH24 को भी गाजियाबाद मेरठ वाले रोड पे जा सकते हैं, वहाँ से भी आप सीधे दिल्ली जा सकते हैं। तो कनेक्टिविटी प्राइम है दोस्तों और लोकेशन बढ़िया, देखिए पा रहे हैं आप, बताने की जरूरत नहीं है। गौर चौक का जो रोड है काफी अच्छा है और एक मूर्ति की तरफ ये जाता है, मेट्रो के पास में जो होने वाला है। बाकी स्क्रीन पे आपको लगातार नंबर आ रहा है, इनसे बात कर सकते हैं। बाकी अंकित जी से लास्ट में क्यों, सर लास्ट में हमारे व्यूअर से क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आपके पेमेंट प्लान कैसे हैं? देखिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसका पेमेंट प्लान कस्टमर फ्रेंडली है। अगर आप यहाँ पे स्टूडियो में, जैसे हम देखते हैं स्टूडियो में आप अगर पैसे लगाते हैं तो आपने इनिशियल स्टेज पे 40% देना है, मतलब 10% ऑन बुकिंग, और फिर 45 डेज के अंदर 30% कंप्लीट करना है। उस 40% में आपको 50% का लोन मिलता है। सर इसमें जो पेमेंट प्लान है वो काफ़ी कस्टमर फ्रेंडली है, इसमें अगर आप अभी 40% पेमेंट देते हैं तो उस 40% में आपको 20% का लोन मिल जाएगा। फिर आपको जब हमारा पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा अराउंड 3 साल बाद, इसके बाद आपकी पेमेंट की डिमांड आएगी। ठीक है, अराउंड 3 साल में आप अपना पैसा ग्रो होते हुए देख सकते हैं, और 3 साल के अंदर आपको लगे कि मेरे को एप्लीकेशन मिल गया जो मैं चाह रहा था और मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, तो आप अपना सेल आउट करके निकल सकते हैं। अदरवाइज बाकी का पेमेंट करके 60% वो सुपरस्ट्रक्चर के बाद आप पोजीशन ले सकते हैं। 30% जाएगा सुपरस्ट्रक्चर पे और 30% जाएगा ऑन पोजीशन, जो बहुत बढ़िया सुपरस्ट्रक्चर के अराउंड 1.5 साल बाद। ठीक है दोस्तों, बाकी कुछ सवाल अगर तो जवाब हो तो कुछ भी आपको पूछना है जानना है तो नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहे हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बाबा, टेक केयर, नमस्कार, राधे राधे।